औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल एज़ेबी खाना खजाना में आप सबका स्वागत है। चलो आज हम बहुत ही बढ़िया सा डिश बनाते हैं, चिकन मैक्रोनी। इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें लिए हैं और किस तरीके से बनाते हैं, चलो देखते हैं। बहुत ही आसान तरीक़े से हम इसे बना लेंगे, चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए हम चिकन लिए हैं आधा किलो, बोनलेस चिकन लिए हैं। इस तरीके से हम टुकड़ों में काट चुके हैं, काट कर धोकर साफ़ करके छान कर रखे हैं। इसमें हम पहले मैरिनेट करेंगे, चिकन जूसी होने के लिए इसे पहले मैरिनेट करेंगे। इसमें हम पहले नमक ऐड करेंगे, फिर इसमें जाएगा एक नींबू का रस, लेमन जूस। फिर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर। फिर इसमें हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। फिर 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे। चिकन को जूसी होने के लिए हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। इसे हम सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। इसे हम आधा घंटे के लिए फ्रिज में कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख लेंगे। फिर इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। इसे हम मिलाकर आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे, कवर करके आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गोश्त को, चिकन को हम चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चिकन का जब तक कलर ना चेंज हो जाए उसे हम कवर नहीं करेंगे। हाई फ्लेम में हम इस तरीके से भून लेंगे चलाते हुए। बीच बीच में चेक किए थे तो पानी जब तक सोख ना कर जाए उसे हम जिसे हम चेक किए थे सारा पानी इसका उसमें सोख कर गया है। इसे हम थोड़ा सा लो फ्लेम कर लेंगे, लो फ्लेम में कवर करके 5 मिनट चेक करते हुए पकाएंगे। पानी इसका बाहर आ चुका है, इसे हम कवर करके बनाएंगे। थोड़ा सा कवर करके चेक करते हुए इसे हम बनाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। इसे हम बीच बीच में चेक किए थे, इसका पानी सब सूख गया है,
जिसे हम सेक किए थे, सारा पानी इसका उसमें सोख कर गया है। इसे हम थोड़ा सा लो फ्लेम कर लेंगे, लो फ्लेम में कवर करके 5 मिनट करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक जगह में मैक्रोनी उबालने के लिए पानी उबाल चुके हैं, उसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा नमक जाएगा। ढाई सौ ग्राम मैक्रोनी है, उसमें हम 50% पकाते हैं। चिकन हमारा तैयार हो चुका है, देखो कितना सुंदर बन गया है। मैक्रोनी को इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा दे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसे हम 50% पका लेंगे। इसे हम 100% नहीं पकाएंगे, वरना खुल जाता है। मैक्रोनी हमारा हो चुका है, इसे हम छान कर एक अलग जगह में रख लेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से एक दूसरे के साथ मैक्रोनी चिपकती नहीं है, बहुत ही सुंदर सा खिला खिला रहता है। चिकन हमारा हो गया है तैयार, इसे हम साइड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 टेबलस्पून करीब। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून। फिर इसमें 2 बड़े प्याज डाल लेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन, हल्का ब्राउन करेंगे, हाई फ्लेम में बनाएंगे। थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसमें हम 6 अंडे ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्का ब्राउन करेंगे, फिर इसमें 6 अंडा ऐड कर लेंगे। अंडे को हम इस तरीके से मिलाते हुए बनाएंगे। अंडे को हम अच्छी तरीके से मिला के इसका छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से चलाते हुए हम इसे अंडा को पकाएंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ना माइक्रोनी में भी नमक ऐड के गया है। आप टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट। इस तरीके से मिलाते हुए हम इसे पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऐड करेंगे, थोड़ा सा पत्ता गोभी बारीक सा चॉप किया गया, इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे। आप अपना हिसाब से वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। हम इसके लिए 1 रेड कैप्सिकम, 1 येलो कैप्सिकम, 1 ग्रीन कैप्सिकम लिए हैं, 1 मकई का, 1 भुट्टा का दाना लिए हैं और 1 बड़े गाजर लिए हैं। इसे थोड़ी देर इसे पका लेंगे, पत्ता गोभी को, वो सब चीज़ें। ये 5 मिनट पक जाए तो वो सब वेजिटेबल ऐड कर लेंगे।
इसे इस तरीके से चलाते हुए हम पकाएंगे। फिर ये सारे वेजिटेबल इसमें हम ऐड कर लेंगे। इसमें हम सारे इसमें ऐड कर लेंगे। गाजर को हम इस तरीके से खोल लेंगे। फिर इसमें इस तरीके से चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाता है सब्जियां। सारी चीज़ों को इस तरीके से हम मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें गलने के लिए 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगता है। इसमें हम टमाटो केचप 2 टेबलस्पून मिलाएंगे। डार्क सोया सॉस 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को इस तरीके से अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। जैसे ही गल जाए थोड़ा सा, इसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को हम इसमें 5 से 7 मिनट मिलाकर भून लेंगे। थोड़ा सा गल गया है, इसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे। सारे चिकन इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। इस तरीके से मिलाते हुए हम 5 से 7 मिनट चिकन को पका लेंगे। फिर इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। 5 से 7 मिनट हो गया है, हम इसमें अब मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैक्रोनी ऐड कर लेंगे। देखो कितना खिला खिला मैक्रोनी है। इसमें ऑयल डालने से इस तरीके से खिला खिला रहता है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। इसे हम अच्छी तरीके से मिलाते हुए इसे 10 मिनट पका लेंगे। अच्छी तरीके से मिलाते हुए 10 मिनट पका लेंगे। फिर इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नए हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। देखो कितना सुंदर बन गया है। इसे हम अब सर्व करेंगे। चूल्हे को कर लेंगे बंद। इसमें इसे हम अब सर्व करेंगे। देखो कितना खिला खिला बना है। चिकन मैक्रोनी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह।